ये जो हमारा मदरसा है ना शरीफुल मदारस, इसके अंदर दो बच्चों ने नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल किया है और एक बच्चे ने कुरान पाक को हिफ़्ज़ किया है। तो आज उनकी उस्ताद मोहतरम से दस्तारबंदी होगी। नाज़रा बच्चा जिसने कुरान पाक मुकम्मल किया है वो मेरे भाई हैं अहमद हसन साहब, इनका बेटा है अब्दुर्रहमान अहमद, वो जल्दी से आ गए हैं और उस्ताद जी से अपने सर के ऊपर दस्तार बांध रहे। दूसरा है शिवाल शब्बीर, शिवाल शब्बीर जो ये साहब जल्दी से आप करीब करीब तशरीफ़ ले आएँ। और जिस बच्चे ने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है वो ज़रा खड़ा हो जाए। ये हफ्जाबाद से हमारे पास पढ़ने आए हुए हैं माशाल्लाह, हफ्ज़ हम्माद हबीबुल्लाह साहब, इन्होंने कुरान पाक मुकम्मल किया हिफ़्ज़ में, इनकी भी दस्तार बंदी होगी। और तीसरे नंबर पर मेरे वालिद मोहतरम हाफ़िज़ बशीर अहमद नुमानी साहब ने हम सब भाइयों की ज़िम्मे ना एक ड्यूटी लगाई थी, वो ये थी कि मेरे बच्चों मैंने ना तुम सबको कुरान पाक का हिफ़्ज़ बनवा दिया है, अब ये जो अल्लाह ने तुम्हें नेमत दी है तुमने इसको आगे बिछलाना है। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरे दूसरे बेटे उसने भी कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया है। तो आप सब उसके लिए दुआ कीजिएगा कि जिस तरह उसके वालिद साहब और जिसके उसके दादा जान हाफ़िज़ बशीर अहमद नुमानी साहब थे, अल्लाह ताला उसको भी ऐसे ही दीन का आलिम और बामल बना दें। ये है शिवाल शब्बीर साहब। एक तस्वीर बनवाना है, तस्वीर बनाए बच्चे कुरान पाक के शील के लिए। एक पढ़ा रही उधर उसका अब्दुर्रहमान अहमद। चलो बेटा आज जरा इधर बच्चे कबरे त्रम्बू करना, तेरे घर देख तेन कुरान पाक भी दे दे इधर। हम आशा आपके उस्ताद हैं, साइज रख बाकी शुरू कराओ जी। ये इधर उस्ताद को शुरू कराओ जी। तस्वीर ना के कर दे पर उस्ताद मान अहमद हबीबुल्ला जी, ये जी हाफिज़ आबाद से आए हैं हमारे पास पढ़ने, इन्होंने भी कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया है। बनाते जाओ खड़ा होकर बनाते जाओ।